भारत ने अमेरिका के 28 उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से अमेरिका बौखला सा गया है। बौखलाहट इतनी कि उसने भारत पर विश्व व्यापार संगठन में आरोप लगाए कि भारत का फैसला वैश्विक व्यापार के नियमों के खिलाफ है। विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक अमेरिका ने अपनी शिकायत में कहा, भारत द्वारा थोपे गए अतिरिक्त शुल्क से उसे नुकसान पहुंचेगा। उसका यह कदम GTT 1994 के तहत अमेरिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ को कम करने या खत्म करने का प्रतीत होता है। बताते चलें, GATT एक WTO करार है जिस पर सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर हैं। इसका मकसद सीमा उत्पाद शुल्क जैसे व्यापार अवरोधों को खत्म या कम कर व्यापार को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा लगाए सीमा शुल्क व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते को दो नियमों के अनुरूप नहीं है। अमेरिका ने कहा कि भारत WTO के किसी अन्य सदस्य देश के ऐसे उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाता है जैसा उसने 28 उत्पादों पर लगाया है। अमेरिका ने विवाद के समाधान के लिए WTO में भारत से बातचीत की अपील की है। अमेरिका ने अपने आवेदन में कहा, हम मौजूदा अनुरोध पर आपके जवाब और बातचीत के लिए आपसी सहमति की हम मौजूदा अनुरोध पर आपके जवाब और बातचीत के लिए आपसी सहमति की कोई तिथि तय किए जाने के इंतजार में है। WTO के विवाद निपटान प्रक्रिया के तहत बातचीत के लिए अनुरोध करना पहला चरण है। बातचीत दोनों पक्षों को किसी मुद्दे पर चर्चा और कानूनी कार्रवाई किए बिना किसी संतोषजनक समाधान खोजने का मौका देता है। यदि बातचीत से विवाद का हल नहीं निकलता है तो 60 दिन बाद शिकायतकर्ता एक पैनल द्वारा न्यायिक निर्णय का अनुरोध कर सकता है। दोनों देशों के बीच उत्पाद शुल्क को लेकर उपजे विवाद को निपटाने के लिए अमेरिका से एक उच्च स्तरीय अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते भारत आएगा। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर उत्पन्न तनाव को सुलझाने के तरीके खोजना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले कुछ हफ्तों में वॉशिंगटन के दौरे पर जाएंगे और मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे। पिछले महीने अमेरिका ने भारत का तरजीही देश का दर्जा खत्म करने का ऐलान किया था और इसके बाद भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले 28 उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। भारत को GSP व्यापार कार्यक्रम के तहत ये दर्जा हासिल था। अमेरिका के इस फैसले का असर भारत के सिर्फ $5.6 अरब के निर्यात पर पड़ेगा। 2018 में भारत ने अमेरिका को करीब $51 अरब मूल्य का निर्यात किया था। चूँकि भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के करीब 10% हिस्से को ही इस स्कीम के तहत लाभ मिल रहा था, इसलिए इस फैसले का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।